फ्रेंड्स, मैं आम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। अक्षय कुमार की केसरी तो नज़र आ रही है, जहां पर वो एक हिस्टोरिकल रोल निभा रहे हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा और ग्रैंड हिस्टोरिकल रोल उनके लिए बिल्कुल तैयार हो रहा है। जी हाँ, यशज फिल्म्स की हिस्टोरिक फिल्म में काम करने वाले प्योरिटी ड्रामा, जहां पर अक्षय कुमार निभाएंगे पृथ्वीराज चौहान का किरदार। जी हाँ, ये खबरें अब सामने आ रही है। जी हाँ, 2 से 3 दिन पहले से खबरें में र्यूमर्स था, लेकिन अभी काफ़ी हद तक सच्चाई आ चुकी है। चलिए आपको बताता हूँ, डीएनए में 26 खबर के हिसाब से अक्षय कुमार पृथ्वीराज चौहान का रोल प्ले करने वाले। यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क कुछ नहीं है, ठीक है, यानी कि खबर लगभग लगभग कन्फर्म है। और मैं लगभग लगभग क्यों कर रहा हूँ वही बताता हूँ। अक्षय कुमार 12वीं सदी के जो राजा है पृथ्वीराज चौहान, उनका किरदार निभाने वाले वाईआरएफ की पीरियड ड्रामा में। आपको बता दूं, वाईआरएफ ने पिछले 1-2 सालों में पीरियड ड्रामा तीसरा आई थिंक निकाल दिया। इसके पहले ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, उसके बाद शमशेर रणबीर कपूर के साथ, अब अक्षय कुमार के साथ वो रेडी है इस फिल्म के लिए, यानी कि पृथ्वीराज चौहान के लिए। अब हाँ, यहाँ पे आपको कुछ चीज़ बता दूँ। पहले ये खबर आई थी कि इस फिल्म को जो डायरेक्ट करेंगे शमी तमीन करेंगे, लेकिन नहीं, इस फिल्म को चंद्र प्रकाश द्विवेदी डायरेक्ट करेंगे। इस पीरियड ड्रामा को चंद्र प्रकाश द्विवेदी जो डायरेक्टर है, इनके पास ये 2 से 2.5 साल से स्क्रिप्ट थी और वो अप्रोच सिर्फ करना चाहते थे तो अक्षय कुमार को। वो चाहते थे कि सिर्फ अक्षय कुमार ही ये रोल प्ले कर सकते हैं, और अक्षय कुमार ने आखिरकार हामी भर दी है। क्योंकि ये सूत्रों की खबर जो आ रही है उस हिसाब से ये है कि इट विल बी माउंटेड एज ए ह्यूज के लिए, यानी कि फिल्म बहुत बड़े तौर पर बनने वाली है। 12वीं सदी के राजा का किरदार जो निभाना उसमें, और इसके अलावा ठीक है, अक्षय कुमार ही अकेले एक चॉइस थे। उसके अलावा और कुछ दिया है, वो सो सैड इज द फिल्म विल शो के सक्सेस ऑडियो। अक्षय कुमार एक इस तरह के जो राजा है उसके मतलब किरदार में नजर आने वाले हैं। और इसके अलावा कुछ और चीज़ बता दो, अक्षय इस फिल्म की शूटिंग कब करेंगे, है ना, उसके बारे में बताया गया कि अक्षय कुमार की जो हेरा फेरी 3 है वो अगले साल ख़त्म हो जाएगी मिड हाफ में, यानी कि जून जुलाई तक, और उसके बाद वही जून जुलाई के आसपास ही स्टार्ट करेंगे ये फिल्म, यानी कि वाईआरएफ की फिल्म जिसमें पृथ्वीराज चौहान का रोल निभाने वाले। और ये आई थिंक 10 साल के बाद आसपास का नजर आने वाले, क्योंकि 10 साल पहले ठशन में साथ में नजर आए थे अक्षय कुमार, यशराज की फिल्म में, उसके बाद यशराज की फिल्म में नजर नहीं आए, तो 2008 में नजर आए थे, ठीक है, 11 साल के बाद सॉरी वापस नजर आने वाले, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो की जानकारी देने के लिए शुक्रिया। मेरे दोस्त कहाँ गए आकाश कुमार, जो मुझे बहुत कुछ आई थिंक अच्छा बुरा कहते रहते, बट स्टिल एक अच्छे फैन है, तो इसलिए मुझे खबर बहुत अच्छी लगी बताने के लिए। आप कितने खुश, जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। चलिए फिलहाल कितना ही।